खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। खाद्य तेलों के महंगा होने का असर आम जन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सरसों तेल पहले दुकानों पर 90 से 110 रुपए लीटर बिकता था, अब वही सरसों तेल एक साल के भीतर 180 रुपए से 190 रुपए लीटर तक बिक रहा है। अगर खाद्य तेलों के महंगे होने की वजहों पर नजर डालें तो काफी सारी वजह है। इस बार सरसों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन उत्पादन ज्यादा होने से जहां कीमतें आमतौर पर नीचे आती हैं, वहीं सरसों की चढ़ी हैं। दरअसल सरकार ने 8 जून 2021 को सरसों तेल में अन्य खाद्य तेलों की ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी थी, जिससे सरसों की खपत सरसों तेल के लिए ज्यादा होने लगी। सरसों तेल के साथ साथ सरकार ने इसके रिफाइंड बनाने पर भी जोर दिया, जिससे बची हुई सरसों की खपत और ज्यादा हो गई। सरसों की खपत ज्यादा होते देख इसके दामों में अचानक से तेजी देखी जाने लगी। पहले सरसों की कीमतें वायदा बाजारों में उछली, सट्टेबाजों ने सरसों में खूब पैसा लगाया, जिससे इसकी कीमतों में काफी तेजी आई थी, जो कि अभी भी जारी है। वायदा बाजार में तेजी देख हाजिर में भी तेजी आई। सरसों की पाइपलाइन पूरी तरह से खाली थी। सरसों का स्टॉक ना ही मिलरों के पास और ना ही व्यापारियों के पास था, जिससे मंडियों में सरसों की जमकर खरीद हुई और कीमतों ने जोर पकड़ा। सरसों में तेजी को देख किसान भी सतर्क हो गए। किसानों ने अपनी सरसों मंडियों में लानी कम कर दी, जिससे कीमतों में और उछाल आ गया। किसानों को उनकी लागत निकालनी होती है और ज्यादातर ऐसा होता है कि किसानों को उनकी फसल MSP से नीचे ही बेचनी पड़ती थी, लेकिन किसानों ने इस बार सरसों फसल रोक रोक कर लाना शुरू किया, जिससे उनको काफी अच्छा दाम मिला। किसानों का कहना है कि जब बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम खुद तय कर सकती हैं और कभी भी कितने भी बढ़ा सकती हैं, तो किसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जबकि वे तो पूरे देश के लिए फसल उगाता है। अगर बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाती हैं तो उन पर कभी कोई नहीं बोलता, लेकिन जब किसान थोड़ा कमाने लग जाता है, अपना कर्ज चुकता करने लग जाता है, तब सब महंगाई का हवाला देकर उसकी फसल के दाम कम करवा देते हैं। सरकार भी दाम बढ़ने से एक्शन में आ जाती है और कुछ ऐसी नीति अपनाती है जिससे दाम कम हो जाते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को ऐसा बड़ी कंपनियों के साथ भी करना चाहिए, जिससे आम जन को उनके द्वारा बढ़ाई गई कीमतों से भी राहत मिल सके। पैकेट वाला दूध, पेट्रोल डीजल, बिस्किट आदि के दाम बढ़ते रहते हैं और किसानों को हमेशा महंगा बीज, महंगी खाद, महंगा पेट्रोल डीजल खरीद कर फसल उगानी पड़ती है। तब कोई किसान को नहीं पूछता कि वह अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा है, उसके घर में रोटी पक रही है या नहीं, और उसने कितने ब्याज पर कर्ज लेकर अपनी फसल उगाई है। लेकिन जब कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं, सब अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और महंगाई का शोर मचने लगता है। अगर वायदा बाजारों में इतनी सट्टेबाजी ना हो तो कीमतें इतनी नहीं बढ़ेंगी। कीमतों पर काबू रहेगा, क्योंकि सट्टेबाज अपना मुनाफा लेकर निकल जाते हैं और जब किसानों की बारी आती है तब दाम हमेशा कम हो जाते हैं। बात करें अगर सरसों की, तो सरसों की कीमतों में वायदा और हाजिर बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस बार सरसों ने किसानों को काफी अच्छा मुनाफा दिया है, जिससे किसान काफी खुश भी हैं और उनकी लागत भी निकल पा रही है। देश में सरसों का लगभग 30 लाख टन का स्टॉक बचा हुआ है और नई फसल आने में अभी लगभग 4 से 5 महीने का समय बाकी है। अब सर्दियों का भी सीजन शुरू हो जाएगा और तेल की खपत बढ़ जाएगी, जिससे सरसों तेल की कीमतों को और सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है। किसानों को सरसों अभी और अच्छा मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के रबी सीजन के लिए सरसों की MSP 400 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 5050 रुपये क्विंटल कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।